द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2014 में जब से मोदी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक एक दशक पूरा होने वाला है, सबसे ज्यादा फजीहत बीजेपी की कब हुई है? 2018 के 5 राज्यों के चुनाव में, 5 के 5 राज्य बीजेपी चुनाव में हार गई थी और उसका नेतृत्व कर रहे थे अमित शाह जी अध्यक्ष के रूप के अंदर। अब वही 5 राज्य दोबारा चुनावी मैदान में आ गए हैं, लोकसभा से पहले के राज्य हैं, इंडिया गठबंधन बन चुका है, बीजेपी की हालत वैसे ही खराब है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, बीजेपी की धड़कनें बढ़ा ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां ऑपरेशन लोटस के माध्यम से दोबारा सरकार बनाने में बीजेपी ने सफलता हासिल करी थी अनैतिक रूप के ऊपर, लेकिन वहां पर भी अब बीजेपी की चिंता ऐसे बढ़ रही है कि हर तरफ बीजेपी का विरोध ही विरोध देखने को मिल रहा है। और जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से बीजेपी ने एक यात्रा चालू करी है कई जगह में, जिसमें खुद मुख्यमंत्री बीजेपी के निकलते हैं सरकार के। और अब उसी यात्रा का एक विजुअल ऐसा आता है कि खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जो सभा हो रही है जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में, उसमें भीड़ नदारद है और पूरा पंडाल खाली दिख रहा है, भाषण चल रहा है, एक ऐसा विजुअल जिसने बीजेपी की रातों की नींद उड़ा के रख दी है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जन आशीर्वाद यात्रा की फजीहत पे फजीहत हर रोज होती जा रही है और ऐसा पंडाल खाली होने का शायद बीजेपी ने सपने में नहीं सोचा था। इसके बाद अगर वो भीड़ ले आए हों कहीं से किराए की तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये भाषण चल रहा है। पीयूष वबेरे जी ने डाला है, लिखा है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मध्य प्रदेश खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में जनसभा का नजारा देखिए। इस वीडियो को ये कोई नहीं कह सकता कि पहले और बाद का है, क्योंकि भाषण दे रहे हैं नेताजी और भीड़ का आलम देखिए, नजारा दे बिल्कुल। कुछ लोग बैठे होंगे तो बीजेपी के पदाधिकारी ही होंगे, देखिए इस वीडियो। हमारा दोस्तों हालत देखी बीजेपी की क्या हो गई है, और इसी खिलचीपुर के जो विधानसभा क्षेत्र का जन आशीर्वाद यात्रा का नजारा आपने देखा, उसी का एक नजारा ये भी था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, जिनको बार बार बीजेपी मध्य प्रदेश भेज रही है कई केंद्रीय मंत्रियों में से एक, क्योंकि बीजेपी की हालत बड़ी खस्ता है, उनकी मौजूदगी में सिंधिया जी के राइट हैंड कहलाए जाने वाले एक मंत्री जी से सवाल पूछा एक पत्रकार ने, जवाब नहीं दे पाए, पसीने छूट गए, क्योंकि उसने सवाल जब पूछा उन्हें लगा कोई अच्छा सवाल होगा गोदी मीडिया टाइप, लेकिन उसका सवाल था कि इन गड्ढों के बारे में क्या कहेंगे जो सड़क पे गड्ढे हैं। उसके बाद उन्होंने जो बात कही वो आपको दिखा देता हूं मैं। के मिश्रा जी ने लिखा है इस वीडियो को डाल के, सिवनी में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की मौजूदगी और खिलचीपुर की जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, सवाल, मंत्री तुलसी सिलावट जी का भी यात्रा में स्वागत कुछ इस तरह हुआ, क्यों बची कुची इज्जत भी नीलाम कर रहे हो भाजपाई मित्रों, अपने बच्चों की तरह घर बैठिए। ये दो जन आशीर्वाद यात्रा के नज़ारे हैं, पहला मैंने आपको दिखाया और दूसरा ये है जिसको सिवनी कहते हैं क्षेत्र। ये सिवनी अगर आप ने जंगल बुक मोगली के उससे किरदार से वाकिफ होंगे तो वहीं के किरदार को मोगली के रूप में बताया था, वो सिवनी कहलाता है, वो लैंड मोगली लैंड। तो ये सिवनी का इलाका है मध्य प्रदेश का जिसके में बीजेपी को बढ़त मिली थी पिछली बार और कई बार, वहां पर बीजेपी की क्या हालत हुई है मंत्री जी को इशारा कर रहा है पत्रकार के, आइए सुनिए, सवाल सुनने आते हैं, गड्ढों पे सवाल होता है सड़क का, मंत्री जी टालने के लिए कहते हैं देखिए कितना जश्न है, ये है जोश, जरा देखिए इस वीडियो। सिलावट जी गड्ढे भरे हुए, गड्ढे पर क्या कहेंगे, गड्ढों पर क्या कहेंगे, सड़कों पर गड्ढे हैं, गड्ढे में आपकी यात्रा चल रही है, जन सैलाब है, जन सैलाब है, ये विकास है, प्रगति नहीं हो रहा, जो गड्ढे खुदे उसके लिए क्या कहेंगे, गड्ढे पर क्या कहेंगे, दोस्तों ये हाल है जो आपने देखा कि बीजेपी की सरकार की हालत इतनी खराब है कि हर तरफ विरोध ही विरोध हो रहा है, बीजेपी के नेता परेशान हैं कि इस विरोध को कैसे रोकें और ये हालत से कैसे छुटकारा पाएं। लेकिन बीजेपी ये भूल गई थी कि 2018 में जनता ने बीजेपी को सब तरफ से साफ कर दिया था चुनाव में, जबरदस्ती एक राज्य में आना अब शायद बीजेपी को भारी पड़ रहा है। कर्नाटक में भी ऑपरेशन लोटस के माध्यम से सरकार बनी थी, कर्नाटक की सरकार भी गिर गई, कर्नाटक की सरकार से भी बीजेपी बाहर हो गई और अब मध्य प्रदेश का भी यही हाल होने जा रहा है। जिस स्तर पर विरोध हो रहा है बीजेपी का वो स्तर सबके सामने है और सबके सामने होने से ये हाल बीजेपी का हुआ है कि जिसकी शायद जितनी चर्चा हो उतनी कम है कि बीजेपी की फजीहत का शायद एक नया कीर्तिमान बनने वाला है।
कुछ दिन पहले यही जो सिंधिया जी के सबसे कट्टर समर्थक मंत्री जी हैं, बड़े मंत्री हैं बीजेपी, कांग्रेस से गए हुए मंत्री हैं, और कांग्रेस से जाने का इनकी यह हालत हुई है कि पत्रकार ने जिस तरह से सुनाई है, वहीं भाजपाइयों ने भी इनको जम के सुनाई थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले कि 18 साल से मध्य प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए अभिशाप बनी भाजपा, अब चुनाव के वक्त क्षमा याचना यात्रा के बजाय अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकली है, मगर घोटाले, भ्रष्टाचार और अत्याचार की हदें पार करने वाली भाजपा सरकार पर प्रदेशवासियों का जो आक्रोश फूट रहा है। शिवराज सरकार के मंत्री को मध्य प्रदेश के किसानों ने भाजपा के धोखेबाजी का जवाब जोरदार विरोध के साथ दिया। नतीजा साफ है, मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, भाजपा की विदाई तय है। देखिए इस वीडियो को, कैसा विरोध हो रहा है मंत्री जी का, क्या हाल होगा बीजेपी का चुनाव में, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा लेंगे। देखिए एक तरफ तो बीजेपी के खिलाफ जनता खड़ी हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ जो है कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, कि यहां तक लिखा था अखबारों ने जब अमित शाह जी का दौरा हुआ था मध्य प्रदेश में, कि अमित शाह जी ने बीजेपी के नेताओं से पूछा, ये अखबारों ने सूत्रों के हवाले से लिखा था कि आखिर कार्यकर्ता इतना नाराज क्यों है। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता नाराज हैं बीजेपी से, सबसे ज्यादा बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हर हफ्ते ये खबरें आती हैं कि इतने समर्थकों के साथ भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करी। तो ये बीजेपी की हालत बताता है कि जनता के बीच में क्या हो रही है। और साथ में सबसे बड़ी नेत्री उमा भारती जी तो पहले से ही विरोध में दिखती हैं हर वक्त। यहां तक उन्होंने कह डाला अभी कुछ दिन पहले कि भैया सिंधिया ने अगर 2018 में सरकार बनवाई 2020 में, तो मैंने भी 2003 में सरकार बनाई थी, मुझे क्यों नहीं पूछ रहा है। बाकायदा वो कहते हुए, उनका वीडियो है, काशिफ ने इस वीडियो को डाल के लिखा था कि एमपी भाजपा उमा भारती, वक्त वक्त की बात है, कभी उमा भारती के नाम से जानी जाने वाली भाजपा को आज पार्टी ने ही भुला दिया। आज चित्रकूट से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा में ना बुलाने पर उमा भारती ने कहा, सबको बुलाया मुझे पूछा तक नहीं। उन्होंने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी सरकार बनाकर दी 2003 में, उनकी पूछ है मेरी नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा में सरपटवल के क्या हाल हैं, और ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का क्या हश्र होने वाला है, इसका अंदाज़ा आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।